रखियो बदावत भुलावत जिंदगी का सेवन सकिया गाते हैं, मगर अभी सनम मारी को भी आप मुकाबले में जीत गए हैं मुझसे भी। जो भी चीज चाहिए अति सनम मारवी आपके लिए खास अभी अमेरिका से आई है, आपसे मिलके फिर लाऊंगा। तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है यहाँ पर आना। मैं दुनिया पूरी में कॉन्सर्ट करती हूँ, पर यहाँ पर आकर जो मुझे सुकून मिलता है इनके साथ बातें करके, वो मुझे किसी बड़े कॉन्सर्ट में या किसी बड़ी गैदरिंग में सुकून। आप हमारे सिंध के पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, अल्लाह पाक आपको सेहत देगा, अल्लाह करेगा आप सेहतमंद हो जाएंगे, फिर अपने घरों में जाएंगे, अपनी फैमिली को एक साथ खुशियां मनाएंगे, अपने घरों में जाएंगे और आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे हैं। मगर ये मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये थी सनम मारवी आपको हाथ जोड़ रही है, आप नशा नहीं करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी दुआएं लें, अल्लाह आपको खुश रखेगा, फिर हम आपसे हफ्ते के बाद मिलेंगे। जे वक्त ही जोगे जा गया इन भूए सजिए जा भाग्या, ओए सुर नर दास आ गया, ओए सुर नर दास सब मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, कदा सब मस्त कलंदर, ये जो पागल खाने में उनको मैं ये कंबल्स दूं, जैकेट्स दूं और इनको कुछ पैसे दूं, तो अदि ये आपको कैसे ख्याल आया? आप जैसे रात को अमेरिका से आए मेरे को फ़ोन की कि असगर भाई आ जाओ, मैं इनमें कुछ चीज़ें बांटने जा रही हूँ, कोई आपके ये एक दिल जो है वो दिल ने कहा कि मैं जाके इनको दे दूँ? अदासगर पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, फिर ये मैं आपको बताऊँ कि पिछले साल मैं यहाँ पर आई थी और मेरी बहुत सारे लोग यहाँ पर मरीज़ जो थे उनसे मुलाकात हुई और मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मैं देख रही थी कि लोग यहाँ पर रोड पे जो है वो ठिठर रहे थे। तो मैंने अपने मैनेजर को कहा कि जी मैंने जाना है वहाँ पर, और अदा जुल्फ़कार कादरी ने कहा जी इंतज़ाम कर देते हैं। हम यहाँ पर जब आए उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैं लिटरली रो रही थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ और यहाँ पर जो बच्चे मैंने लड़के देखे तो मैं रो रही थी। और सच ये सच बात भी है, ये हमारा मुस्तकबिल है और ये हमारी, अगर ये ठीक होते तो इनमें से कोई हमारा इंजीनियर होता, कोई डॉक्टर होता, पर ये है कि हमारी भी कुछ कोताहियाँ हैं, माँ बाप की भी कुछ कोताहियाँ होती है कि बच्चों को थोड़ा इग्नोर करते हैं और वो जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनका जो यही होता है कि यहाँ पर वो आ जाते हैं। तो थोड़ा माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बच्चे जब किसी और जोन में जा रहे हों तो उनको टाइम देना चाहिए। अदी सनम मारवी का कहना ये है कि ये भी हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पुलिस वाले बन सकते हैं, फौजी बन सकते हैं, मगर ये अल्लाह के हाथ में है। तो अदी सनम मारवी कहती है कि मैं इसीलिए हैदराबाद गिद्दू में आई, इनको जो साइकोलॉजिस्ट पेशेंट है उनको मैंने ये कंबल्स और जैकेट्स इसीलिए बांटे हैं कि ये भी मेरे भाई हैं और मैं इनकी बहन हूँ। ये अदी सनम मारवी आपको अल्लाह इसका अजर देगा, और आप किसी पे ये एहसान नहीं कर रही, ये आप पे फ़र्ज़ है, हम सब पे फ़र्ज़ है, ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अल्लाह आपको खुश रखेगा, सदा सलामत रहे, अल्लाह करेगा ये जो इधर दाखिल हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। मैसेज है वो यही है कि यदि आप इनको ये कहें कि अपने बच्चे पढ़ाएं और अपने माँ बाप की इज्जत करें, बस ये आखिरी में एक मैसेज दे। बिल्कुल, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि हमारी जो बच्चे हैं वो हमारे पाकिस्तान हैं, तो आप उनको अच्छे से अच्छी तालीम दें और माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई लव यू, थैंक यू।